दोस्तों, रोजगार का वादा करके मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, लेकिन अब मोदी जी के भाषण से नहीं लगता कि वो रोजगार की बातों को गंभीरता से लेते हैं। आप परंपरा पे गर्व कीजिए, लेकिन आपके पास रोजगार भी होना चाहिए। यहाँ युवा बेरोजगार है और उसे कहा जा रहा है आप परंपरा पे गर्व करो। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, जो कांग्रेस या अदर अपोजिशन पार्टी में बेरोजगार हैं, उनको मोदी गवर्नमेंट जल्दी रोजगार दे देते हैं अपनी पार्टी में शामिल करा के। जैसे पीलीभीत की बात कर लेते हैं, पीलीभीत से बीजेपी ने जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। जतिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। 2014 में मोदी जी धरोहरा के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट जतिन प्रसाद के खिलाफ भाषण देने आए थे, जनता को ये कहने आए थे कि जतिन प्रसाद को वोट नहीं देना है। लेकिन अब मोदी जी जनता से कह रहे हैं कि जतिन प्रसाद को भारी मतों से विजय बनावे। और लोग कहते हैं कि मोदी जी अपने बातों पे कायम रहते हैं। पीलीभीत में सिख समुदाय के वोटर भी रहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि ये भाजपा की सरकार है जिसने लंगर के वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। लेकिन आपने सोचा कि जीएसटी तो मोदी गवर्नमेंट ही लेके आई थी, मतलब जीएसटी भी आप लगाओ और आप ही हटाओ, श्रेय भी आप ही ले लो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाईवे बन जाने से या फोरलेन बन जाने से स्वरोजगार बढ़ता है, लेकिन मोदी जी डेटा कहाँ है? कितने पुल बने, कितने रेलवे स्टेशन बने, इनका डेटा आपके पास अवेलेबल है, बट उससे कितना स्वरोजगार क्रिएट हुआ, इसका डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है।